हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेज आज हम स्टार्ट करें क्लास इलेवेन्थ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बी ए चैप्टर थ्री बिजनेस सर्विसेज टू तो फ्रेंड्स बी ए के जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है उस पर वीडियोज़ अपलोडेड है पूरे के पूरे चैप्टर्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया और एग्जाम में कैसे आ सकते हैं कितने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कैसे क्वेश्चन उन सारा का भी इंट्रोडक्शन आपको लास्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं एक्चुअल में ये जो बिजनेस सर्विसेज टू जो चैप्टर है उसमें कौन सी बिजनेस सर्विसेज पे फोकस किया तो लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था सेकेंड चैप्टर बिजनेस सर्विसेज वन उसमें इंश्योरेंसेस को और गोडाउंस सॉरी इंश्योरेंसेस को फोकस किया गया था और इस चैप्टर में बैंकिंग सर्विसेज को फोकस किया गया है जो बिज़नेस सर्विसेज में काउंट की गई है सर्विसेज जो बिजनेस भी होते हैं पर वो हमें कोई गुड्स नहीं देते बट सर्विस देते हैं लास्ट में लास्ट चैप्टर में इंश्योरेंस था इस चैप्टर में बैंकिंग सर्विसेज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इज़ इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट टाइम इन कॉमर्स Apart from trade, banking is considered as its auxiliary services. Banking industries very useful to industries, agriculture, and other fields. In addition to trade, so banking services are key. इस लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आज के इस टाइम में ट्रेडिंग करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज बहुत ही नेसेसरी आप देख सकते हैं जैसे कि इस टाइम में अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ऑनलाइन बैंकिंग्स और नेट बैंकिंग्स कितनी प्रेशियस टाइम में हमें काम आ रही है तो अब देखते हैं फर्दर द इंस्टिट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज़ कॉल्ड बैंक ये बैंक की डेफिनेशन है जो इंस्टीट्यूट हमें सर्विसेज जो बैंकिंग के लिए प्रोवाइड करती है उसे बैंक कहा जाता है द फर्स्ट बैंक ऑफ़ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन जिनेवा इन द ईयर फोरटीन फोर्टीन हंड्रेड में फर्स्ट बैंक स्टार्टअप किया गया था फर्स्ट बैंक स्टार्ट किया गया था जिनेवा में वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था द वर्ल्ड बैंक इज डिराइड फ्रॉम द इटालियन वर्ल्ड बैंको एविडेंसेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक आर आल्सो फाउंड इन द एशियन टाइम नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं इटैलियन वर्ड जो था उसपे से बैंक वर्ड डिराइव्ड हुआ है और बैंक्स आर ऑल्सो फाउंड इन एंशियन टाइम यहाँ पर एक कहा गया है कि एविडेंस ऐसे मिले हैं जो एक्टिविटीज़ बैंकिंग एक्टिविटीज़ थी वो एनशियट टाइम में एंशंट टाइम से चली आ रही है दिस वर्ड इमर्ज इन द रोमन एम्पायर वेर द मनी लीडर मनी लैंडर्स नोन एज मेसेला यूज टू एस्टेब्लिश देर स्मॉल टेम्परेरी शॉप्स ऑन लॉन्ग बेंच कॉल्डस बैंकू विद इन अ क्लोज फैंस द वर्ल्ड बैंकू एंड बैंक हैव बीन डिराव फ्रॉम दिस तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताया गया है कि रोमन एम्पर जो थे वो ये एक्टिविटी ऑपरेट करते थे इस एक्टिविटी को उन्होंने स्टार्ट किया था एक लॉन्ग बेंच रख के उस पर मनी रखा करते थे और मनी लैंडर थे जो भी आए उसे मनी वो दे देते थे एज अ लोन तो यहाँ पे तब से ऐसे बैंकिंग सर्विसेज जैसे उन्होंने एक छोटा स्टार्टअप किया था सारी एरिया को अपने फेंस करके रखते थे और एक बेंच पे बैठ के सारे बैंकिंग के जैसे छोटे ट्रांजैक्शन किसी को लोन बोरो करना और वापस उनसे बोरो वापस उनसे रिसीव करना ये सारे काम उन्होंने स्टार्ट किए थे तब से बैंकिंग स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में जो बेंच थी तब उन्होंने बैंकू और उससे बैंक नाम डिराइव हुआ है नाउ उसका मीनिंग देख लेते हैं एक्चुअल में बैंक क्या है अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स डिपोजिट इन ऑर्डर टू लैंड दैम विद कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म और वेनएवर इट इज़ डिमांडेड द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंक इज कॉर्ड बैंक बैंकिंग सर्विसेज इज कॉर्ड बैंक तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया है या इस पॉइंट से आगे अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है आपको कि सारी की सारी बैंक्स हमारे इंडिया में सारी जो बैंक्स है वो किसकी गाइडलाइंस पे काम करती है वो आर की गाइडलाइंस पे काम करती है चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट बैंक्स हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो सबको आर के आर ने जो गाइडलाइंस रखी होती है उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना कंपल्सरीली होता है तो यहाँ पे सारी आर की गाइडलाइंस होती है तो अकॉर्डिंग टू आर बी आई यहाँ पर दिया गया पे है इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स डिपोजिट इन ऑर्डर टू लैंड दैम विथ कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म यहाँ पे ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट है बैंक जो मनी बोरो करती है मनी मनी के सारे डिपॉजिट्स लेती है और उन्हें रिटर्न करने का प्रॉमिस करती है जब भी फिक्स्ड हमने जो टाइम फिक्स किया हो या फिर जब भी उसकी डिमांड हो जैसे कि हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं वो हमारे अकाउंट में सेव रहता है उसके बाद जब भी हमें उसे जरूरत हो उसकी ज़रूरत होगी हम उसे विदड्रॉ कर लेंगे द तो इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज बैंक सिंपल सेंटेंसेज यहाँ पर समझाएगा अब एक्चुअल पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ बैंक एक्चुअल में फंक्शंस क्या क्या है बैंक के तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया First है फर्स्ट है मेन फंक्शंस बैंक के मेन फंक्शंस कौन से कौन से हैं तो फोर फंक्शंस है जो बैंक के मेन फंक्शंस में आते हैं टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट्स डिपोजिट्स यानी जो हम बैंक में हमारा मनी डिपोज़िट करके आते हैं वहाँ पे हम रख कर आते हैं हमारा मनी उनके वहाँ पे हम दे के आते हैं वो होते हैं डिपोज़िट्स जो वो हमसे रिसीव करती है और हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है तो उसे एक्सेप्ट करना कलेक्ट करना सेकेंड है टू लैंड मनी बैंक लैंड करती है मनी इन्वेस्ट करती है टू इन्वेस्ट मनी टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये फोर मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बैंक के उसके बाद सब्सिडरी फंक्शंस आते हैं सब्सिडरी फंक्शंस में फैन फ्रेंड्स टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ़ द कस्टमर्स अब उन्हें ये भी देखना होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे हैं कस्टमर्स के टू डू ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू Traveler's check to provide draft services, to provide information related to credit of a person associated with the bank, to provide services as an underwriter, to provide other related services such as. सच एस ए टी एम डी मेड सेफ डिपोजिट वॉलेट एक्सेट्रा तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आगे फर्दर मैं आपको मेन फंक्शंस जो है उनको डिटेल में समझाती हूँ एक्चुअल में ये और फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आज सिर्फ हम ये फोर कम्प्लीटली सीख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडरी फंक्शंस देखेंगे तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखिए बिकॉज ये यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जो मेन फंक्शंस है ये पूरा का पूरा आंसर जो फंक्शंस ऑफ बैंक है लॉ ंग क्वेश्चन आंसर्स में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में तो स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है टू कलेक्ट और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स जो डिपॉजिट्स होते हैं जो हम डिपॉजिट करते हैं उनको एक्सेप्ट करना कलेक्ट करना बैंक एक्सेप्ट सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट्स द बैंक पे इंटरेस्ट टू दिस डिपॉजिट होल्डर्स

डिपोजिट दिए हैं उसे वो सेफ रखेगी बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिए हमारे अकाउंट में सिर्फ वैल्यू हमें शो करी है बट उन्होंने हमें अश्योर किया उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जब हमें ज़रूरत होगी तब वो हमें रिटर्न करेगी और हमारा मनी जो वहाँ पे हमने सेव किया है वहाँ पे हमने डिपॉजिट किया है उस मनी पर हमें कुछ फिक्स चार्जेस के इंटरेस्ट भी मिलेंगे वो भी कंडीशनस पे होते हैं कि हमारा अकाउंट किस टाइप का है हर एक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिले ऐसा कंपलसरी नहीं होता है यहाँ पे मेनली बैंक जो मनी डिपॉजिट हमने किया होता है उसे सेव करती है फोर टाइप्स के अकाउंट्स में फोर टाइप्स के अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे बैंक में सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं करंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं रिकरिंग अकाउंट और फिक्स टर्म अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो हमारे डिपॉजिट्स जो होंगे वो हम हमने जिस टाइप का अकाउंट क्रिएट किया होगा उसमें वो चले जाएंगे सेकेंड होता है टू लैंड मनी अब लैंड मनी मतलब किसी को देना Bank accept deposit through different accounts. Thus, the bank lends money to borrowers which it has collected as deposits from different accounts. Bank accept deposits and provide interest to the deposit holders. The bank lends money to the needy people at a right rate of interest, then it pays to deposit holders. The bank gains profit from the difference in rate of interest. The bank lends money as per given here. So, friends, pe simple words. मैं यही समझा देती हूँ देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया मनी हमने वहाँ पे दे दिया कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इस इस अमाउंट को हमारे इस इस अमाउंट को हमारे अकाउंट में डाल दो तो उन्होंने वो हमारे अकाउंट में दिखा दिया कि इतना बैलेंस है बट एक्चुअल में बैंक क्या करती है वो सारी अमाउंट हम अकेले नहीं हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसे कितने सारे अकाउंट होल्डर्स होंगे उस बैंक में वो सारे अकाउंट होल्डर्स के ऐसे सारे अलग अलग अमाउंट के डिपॉजिट को बैंक लेकर एक ह्यूज अमाउंट लेकर किसी अच्छे बिजनेसमैन या फिर किसी थर्ड पार्टी को लोन में दे देगी जब उन्होंने उसे लोन में दे दिया वो सारी अमाउंट फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए इतने सारे अकाउंट होल्डर्स की वो सारी अमाउंट लेके ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज़ जितना हुआ और किसी और पर्सन को नीड थी मनी की जिसका भी वहाँ पे अकाउंट होगा तो उन्हें बैंक ने वो सारी ट्वेंटी फाइव लैख के अमाउंट जो इतने सारे अकाउंट होल्डर्स की थी वो सारी की सारी उन्हें लोन में दे दी अब लोन में दी है तो लोन पे जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी बैंक उसकी रेट बहुत ज़्यादा होगी थोड़ी ज़्यादा रेट होगी जो रेट इंटरेस्ट की बैंक अर्न करेगी उससे थोड़ी कम रेट में वो सारे अकाउंट होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट पे ट्वेंटी फाइव लैख पर कुछ अमाउंट उन्होंने पर एन नंबर पर मंथली अगर अर्न की है तो उसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट वो सारे बैंक होल्डर्स जिनका डिपॉजिट था उन पे इंटरेस्ट दे सकती है तो इसमें बैंक ने एक साइड से पैसा लिया दूसरे में इन्वेस्ट किया दूसरे से फिर से प्रॉफिट अर्न किया और वापस जो अकाउंट होल्डर्स थे उन सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट के रूप में तो यही करती है बैंक लैंड मनी में और वो कि, किस तरीके से करती है कौन से कौन से तरीके से लैंड करती है मनी थ्रू अ लोन फर्स्ट है थ्रू अ लोन किसी को चाहिए तो लोन के थ्रू वो मनी लैंड करती है द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर इधर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथिक हाइपोथिकेशंस इज नेसेसरी वाइल इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथिकेशन इज नॉट नेसेसरी सच लोन्स आर प्रोवाइडेड टू अदर बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड्स फॉर गारंटी इन द प्रेजेंट टाइम होम लोन्स कार लोन्स एजुकेशन्स लोन्स कैश क्रेडिट मशीनरी लोन्स गोल्ड लोन्स पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल तो यहाँ पे लोन्स जिस तरीके से बो बोरो किया हुआ अमाउंट आगे बैंक यूज़ करता है वो सारे के सारे लोन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि बैंक उस पैसे का क्या करता है आगे तो या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में किसी को लोन दे देंगे लॉन्ग टर्म मींस बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा इयर्स तक वो लोन चलेगा और शॉर्ट टर्म मीन्स टू टू फाइव ईयर्स में वो लोन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ऐसे सारे लोन्स जो होते हैं वो मेनली कौन लेता है बड़े लो लोन्स जो होंगे वो बिजनेस या इंडिविजुअल या इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं और बैंक इसमें गारंटी डिमांड करता है कि कोई ना कोई हमें गारंटी हमारी प्रॉपर्टी हमारी असेट वहाँ पे देनी पड़ती है इन प्रेजेंट टाइम अब होम लोन्स भी मिलते हैं बैंक से कार लोन्स भी मिलते हैं एजुकेशन लोन्स भी मिलते हैं कैश क्रेडिट भी मिलते हैं मशीनरी लोन गोल्ड लोन पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल तो ये सारी सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करके देती है सेकेंड जो बैंक लैंड करती है मनी वो होता है थ्रू ओवर ड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अब ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये दो वर्ड्स आपने सुने होंगे बट एक्चुअल में अगर मीनिंग नहीं समझ आ रहा हो तो यहाँ पे देखिए मैं समझा देती हूँ ओवरड्राफ्ट क्या होता है जब भी हमारे अकाउंट में एक्सेस इनकम की एक्सेस इनकम एक्सेस अमाउंट नहीं होती है बट हमें उसके उस अमाउंट से ज़्यादा की ज़रूरत होती है तब हम बैंक में रिक्वेस्ट करके ओवरड्राफ्ट फॉर्म फिल करके वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं और हम थोड़ी अमाउंट और ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम उसे रीपे करेंगे वापस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ट्वेंटी फ़ाइव थाउजेंड रुपीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी बट मेरे अकाउंट में इतनी एक्सेस अमाउंट नहीं होगी तो मैं ओवर ड्राफ्ट फॉर्म फिल करके ये अमाउंट बैंक से रिसीव कर सकती हूँ और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होंगे कि मैं इसे जल्दी से जल्दी रीपे करूँ फिक्स टाइम में जो टाइम प्री डिसाइडेड होता है इफ़ अ करंट अकाउंट होल्डर विदड्रॉज मोर अमाउंट दैन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट फॉर द प्री डिटरमाइंड लिमिट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड ओवर ड्राफ्ट हम थोड़े ही टाइम में उसे वापस रीपे कर सकते हैं वो लोन नहीं होता उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं वो शॉर्ट अमाउंट होती है जो हम थोड़े से टाइम में वापस रीपे कर सकते हैं द ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट तो ये जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट ही रहता है बट व्हेन द ड्यूरेशन इज़ प्री डिटमाइंड देन इट इज़ नोन एज कैश क्रेडिट अब जब ये प्री डिटमाइंड हो जाता है कि अब कब तक मैं इसे रीपे करूँगी वापस कब ये अमाउंट मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगी तब उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है कैश क्रेडिट का मतलब होता है मैंने एक बार कैश रिसीव कर लिया बट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स अभी मैंने बैंक से एक बार लोन एज अ लोन लिया है तो वो क्रेडिट पे लिया जो मैं वापस रीपे करूँगी थर्ड पॉइंट है टू इन्वेस्ट अब इन्वेस्ट क्या करना होता है जो इन्वेस्ट होता है वो सब बैंक कहाँ करती है द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज़ नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट एंड लैंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डिपोजिट्स ऑफ द बैंक एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम सिक्योर प्लेस एंड विद प्रॉपर कैलकुलेशंस द बैंक हैज़ टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपोजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आर बी आई ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो इट इज़ इन इनएविटेबल फॉर द for a bank to get instant cash by withdrawing investments during emergencies or some accidental situations a bank major majorly invest in government securities or in other financial financially capable units तो so, अब अगर bank ने कहीं पर investment नहीं किया तो उससे profit नहीं होने वाला है bank की first priority होती है कि अगर उन्हें profit का earn करना है तो उस कम उस बैंक को कहीं ना कहीं उस किसी बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वहाँ से उसे इंटरेस्ट मिलता रहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से हर एक बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट लो होती है बट कुछ अमाउंट आपको जो बैंक्स होती है उन्हें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है आगे हम डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में कौन सी कौन सी सिक्योरिटीज़ होती है क्या परसेंटेज पे बैंक को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है वो सब बट एक बार आप जस्ट नॉलेज के लिए ये समझ लीजिए कि इन्वेस्ट करती है आगे बैंक किसी अच्छी फाइनेंशियली कैपेबल यूनिट्स में जहाँ से उसे इंटरेस्ट मिलता रहे उसके बाद फोर्थ है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अब इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का तो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं वन ऑफ़ द मेन फंक्शन ऑफ़ बैंक इज इंटर बैंकिंग एवरी बैंक समटाइम फेसिस शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हर बैंक कभी ना कभी थोड़े टाइम के लिए सही बट शॉर्टेज ऑफ मनी को फेस करता है कभी कभी ऐसा होता है कि मनी का शॉर्टेज हो जाता है तो इवन लेस देन ट्वेंटी फोर आवर्स एट दिस टाइम अनयूज मनी इन बैंक इज़ प्रोवाइडेड टू द नीडी बैंक अब ट्वेंटी फ़ोर आवर्स के लिए एक बैंक दूसरी बैंक को लोन के जैसे दे सकती है उसे प्रोवाइड कर देती है जिस बैंक को नीड होती है उनको ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय एन एजेंसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक आर बी आई इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग और वॉरिंग मनी इज़ कम्प्लीटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक अब सेंट्रल बैंक आर बी आई कुछ एजेंसीज़ को अपॉइंट करती है डायरेक्टली एक बैंक दूसरी बैंक के पास नहीं जाएगी पैसा मांगने के लिए वो सेंट्रल बैंक के पास से मांगेगी और सेंट्रल बैंक ने आर बी आई ने कुछ बैंकस को कुछ एजेंसीज़ को रिक्रूट करके रखा है मींस उन्हें अपॉइंट करके रखा है वो लोग किसी और बैंक के पास से बोरो करके लाएंगे और दूसरी जिस बैंक को नीड है उसे लैंड कर देंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें दोनों बैंक्स को नहीं पता कि उनका मनी किस बैंक से किसको दिया गया है और किस से लिया गया है तो उन्हें पता नहीं चलता जो एजेंसीज है वो दोनों ऑपरेट करती है ये सारा फंक्शन वो ऑपरेट करती है तो इससे जिसे नीड होती है उसकी नीड फुलफ़िल हो जाती है एक शॉर्ट टाइम के लिए द लैंडर्स और द बोरोवर्स डज नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ अदर द प्रॉब्लम ऑफ बैंक फॉर द पर्टिकुलर टाइम इज सॉल्व दस वेन द बैंक गेट्स द डिमांडेड अमाउंट इंस्टेंटली इट इज़ कॉल्ड कॉल मनी तो ये सारी जो प्रोसेस हुई उसे कॉल मनी ट्रांजेक्शन कहा जाता है जो इंस्टेंटली बैंक को प्रोवाइड हो जाता है तो ये कॉल मनी हुआ द इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ऑन द रिसीव्ड अमाउंट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्माइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्ज कॉल्ड कॉल मनी रेट तो जिस बैंक ने ये लोन दिया है उसे भी कुछ प्रॉफ़िट अर्न होना चाहिए अगर उसने किसी की हेल्प की है तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए और उसने किसी को मनी की हेल्प दी है तो उससे उसे क्या बेनिफिट हुआ अगर उसने कोई प्रॉफिट नहीं अर्न किया तो उसका मनी कहीं गया है इन्वेस्ट हुआ है वो रिटर्न तो आएगा बट उस पर कुछ इंटरेस्ट भी आएगा तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है उसे कॉल मनी रेट्स कहा जाता है जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो यहाँ पे कॉल मनी रेट होगी तो फ्रेंड्स आज हमने ये फोर मेन टॉपिक्स को डिस्कस किया अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडरी फंक्शंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय